सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? आई थिंक ठीक ही हो गया। चलो बात करते हैं, वीडियो का मेन टॉपिक बता देता हूँ बेसिकली, फिर अपने मेन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। और सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे है, मीन्स इसी दिन उनका जन्म हुआ था, तो उनकी तरफ से एक जय, मतलब उनके लिए जय हिंद। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है बेसिकली, देखो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। बहुत मतलब कैंडिडेट ऐसे हैं जो PSL का वेट कर रहे हैं। PSL आज जो इनरोलमेंट, जिस दिन आपका PSL आया था, मतलब इनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं, 25 जनवरी एयरफोर्स ने ऑफिशियल पे लिख रखा है। ऑफिशियल जो मीन्स PSL वाला नोटिस था उसमें लिख रखा है। बहुतों ने बोला है कि भाई, बहुत लोग बता रहे हैं कि 3 फरवरी को आएगा, लेकिन मुझे कोई ऑफिशियल मिला नहीं, तो इस वजह से मैंने उसके चक्कर में नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कट ऑफ वगैरह के बारे में बात करना था। मैं तो कहूँगा कि आज ही आपका आ रहा है, अगर नहीं आएगा तो ऑफिशियल पे अपडेट आ जाएगा, फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि वो एक ऐसा सेंसिटिव मैटर है, मतलब कि उसमें भाई मेरिट का मामला है, कुछ गलत बोलना भी गलत होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं मेन वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। कट ऑफ, पिछली इनरोलमेंट वाले कैंडिडेट, मेडिकल कैंडिडेट, CSV, एवरीथिंग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, बाकी एज योर विश। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा अगर अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ, ना अच्छा लगे तो स्किप कर सकते हो, बाकी आपके फ़ायदे के लिए ही होने वाला है। आप में से कोई भी अनअकैडमी पे प्लस लेना चाहता है, डेफिनेटली ले सकता है, कोई ज़्यादा मतलब महंगे तो नहीं है, लेकिन जैसे ऑनलाइन कोचिंग पे जाते हो ना, ऑफलाइन पे, तो उससे बेटर है। आप घर से रह के सेल्फ स्टडी कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो, लाइफ को जस्ट एवरीथिंग वहाँ पर आपको मिल जाता है। और वायु नाम से भी मतलब अनअकैडमी पे एक बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जिसका मेन टारगेट है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्शन कराना। फिर भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो, और उसे बाय करते समय कोड का ऑप्शन आता है, तो आप ऑनलाइन DP50 डाल देना, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अपने जो क्वाइंस हो, अगर आपने फ्री ऑफ क्लासेस भी वहाँ पर अटेंड की होंगी किसी की, तो आप वो क्वाइंस से और भी रुपये का प्राइस कम कर सकते हो। बाकी एज यूर विश, बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं। PSL मतलब आ चुका है, फाइनल इनरोलमेंट आना है, और कुछ का तो फाइनल इनरोलमेंट भी आ चुका है, जो फाइनली पिछली बार वाली गेम लिया था। मैटर यहाँ पे क्या करता है, अभी किन्हें किन्हें लिया जाएगा। देखो मैं एक्स ग्रुप का कट ऑफ बता देता हूँ, अभी जो रैली भर्ती कट ऑफ गया 27। मैं एक बात बताऊँ ना भाई, इस बार रैली भर्ती में जितने भी हैं, आई थिंक सभी का सिलेक्शन होने वाला है। क्यों? क्योंकि पेपर आया था रैली का इजी कंपेरिजन, क्योंकि भाई मैंने रिव्यू शेयर किया, तो जितने भी कैंडिडेट का, काफ़ी रिव्यू शेयर किया, तो जितने भी कैंडिडेट का रिव्यू शेयर किया था, सभी ने बोला इंशु भैया पेपर बहुत इजी था, पेपर मतलब बहुत इजी था। तो ऐसा कुछ किसी ने भी ये नहीं बोला कि फिजिक्स को मॉडरेट बोल के बाकी सभी को ईजी बोला। तो पेपर में कट ऑफ 27 नंबर गया, 70 में 27, आधे नंबर भी कट ऑफ नहीं गया। तो ऐसा तो है नहीं कि आप 35 ना ला पाओ, और अगर आपके 35 आए तो इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पिछली बार वाले इनरोलमेंट कितने नंबर थे, 28 नंबर एक्स ग्रुप का था, 33 गया था, तो उसी बेसिस पे मान लो कि 34 फाइनल गया था। ठीक है, मतलब इनरोलमेंट पे मैं बात करूँ, 34.50 का वाले का नहीं हुआ था, 34.75 वाले का हो गया था फाइनली। तो उस बेसिस पे मैं कहूँ, तो अगर आपका 35 है तो बहुत ज़्यादा है भाई, अब तो पहले सेलेक्ट हो। अब देखो मैं कट ऑफ की बात करता हूँ, दो एक्स ग्रुप का, वाई ग्रुप का, जो इस बार कैंडिडेट गए हैं। और एक्स ग्रुप का जो कट ऑफ है वो 27.50 है, वाई ग्रुप का कट ऑफ 25 नंबर है। ठीक है, एग्जैक्ट 50%। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर एक्स ग्रुप में टोटल कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ, तो 3274, और वाई ग्रुप पे बात कर, मतलब 3200 कैंडिडेट। ठीक है, वाई ग्रुप में ऑलमोस्ट 1000, क्योंकि 993 है। अब देखो उसमें जो लिस्ट थी, उसमें अनफिट भी दिए हुए थे, मेडिकल अनफिट, जो लिस्ट आपने PSL देखा होगा उसमें अनफिट कैंडिडेट भी दिए हुए थे, CSV भी दिए हुए थे। तो देखो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सबमिट भी कर दिए थे डॉक्यूमेंट, जिनका मेडिकल बाकी था, और जो मेडिकल देख के भी आए थे उनका भी अनफिट लिखा था। तो उसके बेसिस पे हम कुछ मतलब क्लियर नहीं बता सकते कि कितने उसमें अनफिट थे, हम कितना रैंक जाके जिन्होंने निकाल पाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी अभी आज जो क्लियर आज अगर आता है आज ना, तो आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपसे कितने मेडिकल अनफिट थे, क्योंकि उसमें मेडिकल अनफिट लिखा हुआ था। तो भाई मेडिकल अनफिट लिखा हुआ था, इसका मतलब वो अनफिट नहीं हुए थे, सब के सब नहीं हुए थे। बहुतों से ऐसे फ़ोन हुआ तुरंत उसी दिन, अंशु भैया मेरा तो हुआ नहीं, और मतलब मैं तो मेडिकल कल ही फिट हो गया, इसमें अनफिट दिया हुआ है, क्या करें। तो मैं 25 तारीख तक वेट करता है, 25 को ही सब कुछ पता चल जाएगा। और पिछली बार के जो कैंडिडेट हैं, जो एक्स ग्रुप का कट ऑफ पिछली बार का जो गया था वो 28 नंबर था, वाई ग्रुप का कट ऑफ 33 नंबर था। फाइनली मैंने बता ही दिया कि कितने नंबर पर सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट, और जबकि उनको पिछली बार वाले कैंडिडेट तो पिक ही करने, पिछली बार वाले कैंडिडेट को लेना ही है, नहीं तो वो नोटिस क्यों निकालते, सिंपल सी बात है। पिछली बार वाले कैंडिडेट को लेना था, इस वजह से उन्होंने नोटिस निकाला था वहाँ से कि हाँ ये वैलिड है, जो PSL आपका नवंबर तक वैलिड रहेगा, दिसंबर तक वैलिड रहेगा। ठीक है, नवंबर तक का बोल के अभी भी वो वहाँ पे चल रहा है, मतलब वैलिड ही है, उनसे कैंडिडेट को लिया जाना है डेफिनेटली, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था। अब देखो ऑलमोस्ट मैं वैकेंसी की बात करता हूँ भाई साहब, तो 3500 से 3600 ऑलमोस्ट है।
अब ये कोई मत बताना कि भाई पिछली बार 3750 था, 3702 था, या उससे पहले मतलब 3200 था। तो मैं एक ऑलमोस्ट कह रहा हूँ एवरेज 3500 कैंडिडेट को उनको लेना है। एक्स ग्रुप पे कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया है 3200, वाई ग्रुप पे कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया है, वाई ग्रुप पे कैंडिडेट 900 ठीक है या 1000 मान लो। अगर मैं बात करूँ फाइनली, तो भाई इस लिस्ट से पहले तो मेडिकल वाले कैंडिडेट हटाए जाएंगे जो मेडिकल अनफिट है। ऐसा नहीं कि उसमें सबके सब फिट हैं, कुछ उसमें अनफिट है कुछ फिट है, उन कैंडिडेट्स को हटाया जाएगा और फाइनली पिछली बार वाले एनरोलमेंट से लेके कैंडिडेट को वहाँ पे रखा जाएगा। और ये जितने भी पीएसएल में है रैली वाले, ऐसा नहीं है कट ऑफ पक्का बढ़ेगा भाई, 2 से 3 नंबर कट ऑफ जरूर बढ़ेगा, वो तो पक्का होने वाला है, मतलब मैं कहता हूँ। लेकिन 33 नंबर वाई ग्रुप का कट ऑफ जो 36 मतलब 35 नंबर पे हुआ था फाइनली सिलेक्शन 35.50 पे, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। मतलब कि इससे पहले जो एनरोलमेंट आई थी भाई उसका जो फाइनल कट ऑफ था उसका उतना कट ऑफ आपका ये वाला नहीं जाने वाला, ये बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है ठीक है। तो मतलब जिसके 4 to 5+ नंबर जाएंगे डेफिनेटली सिलेक्शन है, और मेरे अकॉर्डिंग तो रैली वाले जितने हैं ना सबका सिलेक्शन है। क्यों? क्योंकि उनका पेपर ईजी आया है, और पिछली इनरोलमेंट पीएसएल वालों से भी उनको कैंडिडेट को पिक करना है, तो वो एयरफोर्स डिसाइड करेंगे कि उनको कितने कैंडिडेट एवरेज पिक करने हैं, क्योंकि उनके तो पहले से ही 28 तो भाई जैसे उनका 29 या 30 नंबर होगा, एक्स ग्रुप की बात करता हूँ केवल 30 नंबर होगा ठीक है। तो मुश्किल है कि 30 वाला पिक किया जाए, लेकिन 32-33 वाले के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि मैं कहूँगा 1000 कैंडिडेट तक, 1000 नहीं तो 400 to 500 अगर बनते हैं तो डेफिनेटली सबके सब पिक लिए जाएंगे। अब ज़्यादा नंबर्स हुए तो फिर वो एयरफोर्स डिसाइड करेगा। यही चीज़ें थी जो बात करनी थी, बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, वीडियो शेयर कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। हाँ देखो, तो एक्स ग्रुप का जो कट ऑफ इस बार है वो कितना है 27.50, वाई ग्रुप का 25 नंबर। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपका बढ़ेगा तो एक्स ग्रुप का 33 नंबर मैक्स, बुरा मत मानना यार, अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जिसका कम नंबर अभी तो पता भी नहीं है आपको अपना नंबर, लेकिन मैं भी आपका नंबर अगर कम होगा फिर कहो कि अंशु भाई यार इतना कैसे जा सकता है, तो एक प्रोबेबिलिटी है। पिछली बार को मैं देखते हुए प्रीवियस टाइम को देखते हुए बता रहा हूँ, एक्स को 28 गया था फाइनली 24 नंबर सेलेक्ट, 34 नंबर पर सेलेक्ट हुआ, 34.50 वाला नहीं सेलेक्ट हुआ था, 6.5 नंबर जाके प्लस पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन आपका उतने नंबर तक अगर जाता है डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसी कैटेगरी में। ये तो होगा नहीं कि पिछली बार वाले अब इस बार के नंबर ज़्यादा बढ़ा दिए जाए रैली के, जैसे कि 27 नंबर है तो पता लगा कर दो 40, एग्जाम्पल इसे मतलब सही मत माने कि एग्जाम्पल कि 27 नंबर है कर दो 40 और पिछले बार वालों 30-32 वालों को ले लो, भाई बराबर वालों को ही लिया जाएगा, बराबर नंबर से ही लिया जाएगा। ये बस क्यों लिए जा रहे हैं पिछली बार वाले, क्योंकि इस बार वैकेंसी फिल नहीं हो पाई थी, तो उसी फिल करने के लिए ये लोग इतने कैंडिडेट को ले रहे हैं। बाकी यही चीज़ क्लीन एंड क्लियर है। फिर भी कोई डाउट आता है आपको, कोई क्लियर मतलब मे बी मुझसे कुछ मिस्टेक हो तो कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ना आया तो डिसलाइक मार देना। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर।